नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों एक बेहद ही रोचक जानकारी लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्रकृति ने हर चीज़ अपने जीवों को ध्यान में रखकर बनाई है। प्रकृति ने जीवों के आहार को भी मौसम के आधार पर ही अलग अलग भागों में बांटा है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो गर्मियों में उपलब्ध होते हैं और कुछ एक ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें प्रकृति सर्दियों में प्रदान करती है। यह आहार मौसम के ही आधार पर स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करते हैं। गर्मियों के लिए प्रकृति की ऐसी ही एक खास देन है खरबूजा। खरबूजा न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि इसके सेहत के लिए फ़ायदे भी अनगिनत हैं दोस्तों। यहाँ हम खरबूजे के ऐसे 20 फायदों का जिक्र करेंगे आप सभी से, जिन्हें जानकर आप निस्संदेह इसका लाभ उठाएंगे दोस्तों। आप देखते हैं अलग अलग जो लोग प्रदेशों में भी रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहता है, कोई गर्म वायुमंडल में रहता है जैसे कि केन्या वगैरह है, वो बहुत गर्म प्रदेश है। इसके अलावा आप रसिया वगैरह जाते हैं, बहुत ठंडा प्रदेश है, तो इसके अकॉर्डिंग भी खान पान बदल जाता है, वहाँ भी खाने पीने की चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है गर्मियों के एक खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ के इंडियन खरबूजे के बारे में। इसका नंबर वन फायदा दोस्तों, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से युक्त खरबूजा आँखों की रोशनी को घटने से रोकता है, आँखों को स्वस्थ रखता है और मोतियाबिंद होने से रोकता है दोस्तों। विटामिन ए इसमें जो होता है ये आँखों के लिए बेहद अच्छा होता है। नंबर टू, खरबूजे को डायबिटीज़ में भी फायदेमंद पाया गया है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर डायबिटीज़ के स्तर को सामान्य बनाता है। नंबर थ्री, खरबूजे का सेवन उन लोगों के लिए भी बेहतर होता है जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है। नंबर फोर, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है खरबूजा। खरबूजे में निहित विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उससे रोगों और संक्रमणों से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है। साथ ही इससे सफ़ेद रक्त कणिकाओं का निर्माण भी होता है और सफ़ेद रक्त कणिकाएं शरीर को संक्रमण के प्रभाव से बचाती हैं, और तो और यह शरीर में कैंसर को पनपने से भी रोकता है दोस्तों। नंबर फाइव, खरबूजा अल्सर जैसी समस्याओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर सिक्स, कब्ज जैसी समस्या में भी खरबूजा फायदेमंद होता है। खरबूजे में पाए जाने वाले डाइट्री फाइबर्स रोगी को कब्ज की समस्या से निजात दिलाते हैं। नंबर सेवन दोस्तों, खरबूजा गुर्दे की पथरी समेत गुर्दे में होने वाली अनेकों समस्याओं में भी फायदेमंद होता है। खरबूजे के रस जिसे ऑक्सीकिन कहा जाता है को गुर्दे की समस्याओं और पथरी में फायदेमंद पाया गया है। यह किडनी की सफाई कर उसमें से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है दोस्तों। नंबर एट, खरबूजा गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें निहित फेलेट शरीर से अधिक मात्रा में सोडियम को बाहर जाने से रोकता है दोस्तों। नंबर नाइन, खरबूजा सोने में होने वाली परेशानी को भी दूर करता है। यह मस्तिष्क की मांसपेशियों को आराम देकर इसोमेनिया जैसी समस्या को दूर करता है। नंबर टेन, जो लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, उनके लिए खरबूजा भी फायदेमंद हो सकता है। खरबूजा खाने से सिगरेट पीने की तलब बंद हो जाती है। इसके अलावा खरबूजा फेफड़ों को मजबूती देता है और उनसे निकोटीन को तेज़ी से बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 11, खरबूजा हृदय रोगियों के लिए भी एक अच्छा आहार है। खरबूजा रक्त को पतला करके हृदय में से रक्त के बहाव की गति को तेज करता है। इससे हृदयघात का खतरा खुद ब खुद ही कम हो जाता है। साथ ही खरबूजे में पाए जाने वाला पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 12, खरबूजा तनाव रोधी का भी कार्य करता है। खरबूजा खाने से शरीर में ऑक्सीजन का बहाव तेज होता है और इससे मस्तिष्क को कार्य करने और तनाव से लड़ने की भरपूर क्षमता मिलती है दोस्तों। नंबर 13, खरबूजा त्वचा से जुड़ी समस्याओं में भी फायदेमंद होता है। जहाँ इसका सेवन
त्वचा संबंधी समस्याओं को अंदरूनी तौर पर ठीक करता है, वहीं इसके लेप से त्वचा पर होने वाली जलन में भी राहत मिलती है। साथ ही इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती हुई उम्र के प्रभावों को भी त्वचा से कम करती है। नंबर 14, तरबूजे के कुछ टुकड़ों को पानी के साथ उबालकर उससे कुल्ला करने से दांतों के दर्द में राहत मिलती है दोस्तों। नंबर 15, तरबूजा एसिडिटी से पीड़ित लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। तरबूजे का स्थिर पीएच स्तर शरीर में एसिड की मात्रा को नियंत्रित करता है और उसे सामान्य स्तर पर लेकर आता है। खरबूजा यूटीआई में भी फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि यूरिनरी ट्रैक्ट जैसी समस्याओं में इसे खाने की सलाह भी दी जाती है। यूरिनरी इन्फेक्शन के अलावा यह ब्लैंडर इन्फेक्शन यानी कि मूत्राशय संक्रमण में भी फायदेमंद होता है। नंबर 17, प्रोटीन की अधिकता के कारण यह हड्डियों, बालों और नाखूनों के लिए भी फायदेमंद होता है। नंबर 18, आंतों के कीड़ों से छुटकारा दिलाता है। अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि तरबूजे के बीजों के प्रयोग से आंतों से कीड़े बाहर निकल जाते हैं। नंबर 19, शरीर में पानी की कमी होने से बचाता है और हाइड्रेट रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पानी बहुतायत मात्रा में होता है और यह पानी शरीर को अधिक गर्मी से राहत देकर उसे ठंडक और ताजगी प्रदान करता है। नंबर 20, छाती में जमे बलगम को निकालने में खरबूजे के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं। खरबूजे के बीज बलगम को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक था आप सभी के लिए। दोस्तों, अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।